वेलकम गाइस, जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फोरम के बारे में जाना है, सिलेबस के बारे में जाना है, सब कुछ हमने बंदोबस्त किया हुआ है। हमारे जो साइंस एम के चैनल है वहाँ पर हम आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, बोर्ड ने काम पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे, ठीक है। तो चलते, ये पहला वाला क्वेश्चन है आपका, लाल लेड होता है, रेड लेड इज Pb3O4, PbO, PbO2, Pb2O3, कौन सा होता है गाइज लाल लेड। सो सिंपल, आपको टिक लगाना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। लगा दिया आपने टिक, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज Pb3O4, फर्स्ट वाला। और जिन्होंने फर्स्ट वाला भी टिक लगाया Pb3O4 पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये होता है आपका लाल लेड, ओके। कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना, आपका अपना चैनल है। क्वेश्चन है आपका, गैमेक्सन का नाम है, द IUPAC नेम ऑफ द गैमेक्सन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोबेंजीन, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन, या फिर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर ही लेते इसको, हाँ। तो गैमेक्सेन का नाम क्या है, IUPAC नाम तो पता होना चाहिए गाइस सबके, टिक लगा दिया होगा बेसिकली आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन आपका गैमेक्सेन का नाम होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके गाइस, 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। निम्न में से 8:8 को ऑर्डिनेशन का उदाहरण है, कोऑर्डिनेशन, विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ 8:8 कोऑर्डिनेशन, CF2, SCCL, ZNS, KCL। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका SCCL। गाइज, MCQs की कोई कमी नहीं है, हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर भी हम MCQs आपको देते रहते हैं, GK MCQ MK चैनल, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर भी रोजाना आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है तैयारी में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितनी बार देखते हो दिन में, ताकि आपको याद हो जाए, और रिपीटेड देखना चाहिए कि पूरे वीडियो देखने के बाद शुरू से स्टार्ट हो जाए करो। अगला क्वेश्चन है, K4Fe-CN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आती है ना सबको, 12th में जिन्होंने सीख लिया ना, बहुत अच्छी बात है, नहीं सिखाए तो हम तो सिखाएंगे आपको, कमेंट कर देना आप। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe इन K4Fe-CN6 इज +6, +2, +4, +3, ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है जी। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा +2, ये होती है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। अगला क्वेश्चन तो हम सारे करेंगे गाइज, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब करेंगे, बस आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, आपको तैयारी इतनी बेटर होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे सीधे यहाँ से। अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में से उपस्थित होता है, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रजेंट इन एथाइन, इथिन, या फिर इथिन, या फिर बेंजीन। तो अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में से किस में उपस्थित होता है, इथाइन में, इथिन में, एथेन में, बेंजीन में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एथाइन में, ठीक है। अगला निम्न समीकरण में शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है, विच मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन, फॉलिंग, बेसमरीकरण,
क्यूप्लेकरण, वेन आर्कल डेयर विधि। देख लो अच्छे से क्वेश्चन को, पहले पढ़ो समझो फिर टिक लगाओ। ऐसा नहीं कि आपने ना तो क्वेश्चन समझा ना अच्छे से देखा, सीधे टिक लगाते होगे। इसे कहते हैं तुक्का लगाना, तो ये गलती मत करना आप, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर तुक्के लगाना थोड़ा भारी पड़ जाता है आपका। तो आपको एक्यूट आंसर हो तभी जाके आप टिक लगाया करो, और एक्यूट आंसर तो आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ना। और जो जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उनका तो समझो सिलेक्शन है, क्योंकि हम दुगना पोषण आपको दे रहे हैं दोनों चैनलों से, एक तो इस चैनल से और एक जीके एमसीक्यूज एमके चैनल से। टिक लगा दिया को वैसे बेसिकली, यहाँ पर तो आप मर्जी चाहे जितने टिक लगाओ गलतियाँ करो, बट एग्जाम में मत करना इतनी गलतियाँ। यहाँ से आप सीखो, यहाँ सीखने के लिए तो आए ना आप जीके लोन जॉब चैनल पे, तो आपको सीखना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेन आर्कन डे वॉर विधि। तो ये होता है शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है, ठीक है, वेन आर्कन डे वॉर विधि। अगला क्वेश्चन, लोहे के प्रगलन में वात्याभट्टी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न अभिक्रियाएं होती है, FeO प्लस SiO2, FeSiO3, CaO प्लस SiO2, CaSiO3, FeS प्लस O2, Fe प्लस SO2। लोहे के प्रगलन में द रिएक्शन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड 600 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन फ्लास्क। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका Fe2O3 यानी कि ऑप्शन 4 प्लस 3CO FeCO2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एवं एसिटिलीन के बीच विभेद करने के लिए प्रयुक्त है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एथिलीन एंड एसिटाइलीन, ब्रोमीन जल, सारे केमेनोफोर, सांद्र H2SO4, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, आणविक भार योग होता है, एटॉमिक मास इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। आणविक भार योग होता है, किसका होता है? सो सिंपल, एटॉमिक मास इज द एडिशन ऑफ किन किन का होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का, ठीक है, इनका होता है आणविक भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट, और गाइज मैं आपको बता दूं बीएस नर्सिंग में तो स्कोप ही स्कोप है, कोई कमी नहीं है, बस आपका तो सिलेक्शन हो जाए आपकी लाइफ सेटल है फिर तो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में भी खूब है, ठीक है ना, और वैसे बिजनेस इंक्वायरी से देखे फिर भी खूब है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते, इन कोर्सेज के आप आगे भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ब्रिज कोर्स कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप है। और आजकल तो लेटरल इंट्री का भी ऑप्शन आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये लेटरल इंट्री क्या होती है, यानी कि जिन्होंने कम्प्लीट कर लिया है वो MBBS में एडमिशन ले सकता है, अभी लागू नहीं हुआ है बट हो जाएगा, ठीक है, तो MBBS का थर्ड ईयर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो तो मैं आपको देता रहूँगा हमारे साइंस एम के चैनल पर, हम देते रहते हैं साइंस एम के चैनल, जिसको पता नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो जानकारी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, परतीय मार्कोनी कोक संलयन निम्न में से नहीं पाया जाता, एंटी मार्कोनी कोक एडिशन इज नॉट फाउंड, प्रोपिन, ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2 और पेंटिन 1। तो प्रति मार्कोनी कोक
संलग्न किस में नहीं पाया जाता, आपको पता होना चाहिए गाइज कि किस किस में पाया जाता है, तो आप ऐसे ही टिक लगा दोगे। तो ये क्वेश्चन आपकी ये नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको पता है कि मार्कोनी को किस किस में पाया जाता है, तभी तो आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया कि नहीं पाया जाता है। सिंपल सी बात है, तो किस में नहीं पाया जाता है टिक लगा दो, और टिक भी तभी लगा पाओगे जब आपको पता होगा कि मार्कोनी का संलग्न किस में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ब्यूटीन टू, इसमें नहीं पाया जाता। बाकी के प्रोपीन में भी पाया जाता है, ब्यूटीन वन में भी पाया जाता है, पेंटीन वन में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो देखो आपको बस टिक लगाना आना चाहिए, और टिक तभी लगा पाओगे जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको कितना कुछ आता है। तो विच अमंग द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेंटली मैच, बोर समस्थानिक, रदरफोर्ड प्रोटॉन, जे चैडविक न्यूट्रॉन, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो सिंपल आपने टिक लगा दिया होगा, वैसे बेसिकली राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बोर समस्थानिक, ये सही बात नहीं है। ठीक है, ये वाली तो रदरफोर्ड प्रोटॉन यस, जे चैडविक न्यूट्रॉन यस, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन यस। ठीक है, तो ये नॉलेज आपकी चेक कर रहा था ये क्वेश्चन कि ये चीज़ आपको पता है कि नहीं है, जिसको ये चीज़ें पता थी उसको ये ऑप्शन टिक लगा पाएगा यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, देख अब तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बनते हैं। तो क्वेश्चन आपकी क्या नॉलेज चेक करना चाहता है वो तो आप समझ ही गए। नेक्स्ट, कैसिट्राइट आवश्यक है, कैसिट्राइट और टीन, जिंक, लेड, कॉपर। तो कैसिट्राइट आवश्यक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा टीन का। ठीक है, तो आवश्यक के पता होना चाहिए, फेरस के कौन कौन से, एल्यूमिनियम के कौन कौन से, है ना, कॉपर के कौन कौन से, क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से। आवश्यक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, और हमने जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे धातु का शोधन में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसका ऐसा कौन सा होता है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। जिसको पता नहीं है तो वीडियो जाके देख लेना। अब आप बोलेंगे सर कैसे देखें, तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ना जीके जेक्लोन जॉब का, तो इस चैनल पे तो नहीं है, दूसरा चैनल है जीके एमसीक्यू जेएम के चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया उस, वहाँ बताया था मैंने आपको, तो वहाँ जाके देख लेना। और जिसने दोनों चैनल सब्सक्राइब कर रखे उनको तो दुगना पोर्शन मिल रहा है। टीन हो जाएगा कैसे ट्राई जाए सर, ठीक है, टीन का होता है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत, इन्फाइनाइट। डेल्टा जी फ्री एनर्जी फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान गाइस ऋणात्मक होना चाहिए, तभी कोई प्रक्रिया स्वत हो पाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी जलीय विलयन की पीएच 7 से कम है, विच हैज पीएच लेस देन 7 इक्वल सॉल्यूशन, FeCl3, NaCN, KNO3, NaOH। किस विलयन की पीएच 7 से कम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा KNO3 की। ठीक है, इसकी कम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल, किसमें बंद कोण न्यूनतम है, किसमें बंद कोण न्यूनतम है, H2S, NH3, CH4, H2O। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2S, H2S में। तो इसमें बंद कोण न्यूनतम है H2S में। सो ये 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए ईमानदार से कमेंट करके बताना, और अधिक क्वेश्चन चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीके
एमसीक्यूज एमके चैनल का, उस पर आप क्लिक करोगे ना लिंक पे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ना उस पर क्लिक करते तो इस पर जाकर वीडियो पे सेक्शन पे जाना है आपको। और ये हमारा दूसरा चैनल आप देख पा रहे होंगे, इसके सारे वीडियो आपके सामने कंपटीशन एग्ज़ाम यानी कि आपके एग्ज़ाम जो होगा उसमें पूछने वाले, तो ये सारे हमने चैप्टर वाइज आपके लिए करवा रखे हैं, देख सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करा रखा है, बस ज़रूरत है तो इसको देखने वालों की। देखिए कोई कमी नहीं है गाइस, हमारी तरफ से कोई भी कमी, तो जाके देखो और फ़ायदा लो इनका, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बैक्टीरिया वायरस के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सीधे पहुंच जाइए इस चैनल पे और शुरू कर दीजिए पढ़ना। ओके, धन्यवाद।